बुजुर्ग शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहले छवि बनती है वो होती है हमारे घर के सभी बड़े बुजुर्ग सदस्यों की, जिनसे हमारे साथ बहुत गहरा संबंध होता है। दादा, दादी, नाना, नानी, पड़ोस के काका, काकी, ये वही लोग होते हैं जिनकी गोद में हमने राजा, रानी और परियों की कहानियां सुनी, जो घर की नींव है और जिनके साथ हमारी यादों के अधिकांश लम्हे शामिल हैं। एक कदम बुजुर्गों की ओर, अर्पणा के साथ आकाशवाणी का गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:10:55 हो चुके हैं। मुश्किल हो जाता है घर के बड़ों को समझना और समझाना भी। अब देखिए, मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, शो कर रही हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग घरों में दो जनरेशंस के साथ डील कर रहे हैं। एक जनरेशन तो वो जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और दूसरी जनरेशन वो जो हमारे घर के बच्चे हैं। तालमेल जरा सा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। पहले तालमेल बच्चों का बुजुर्गों के साथ। यदि आप किसी को सम्मान देते हैं तो उन्हें लगता है कि वो आपके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट इंसान है। बड़ों का सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी आवाज को जरा वो जोर से बोले तो उसे नजरअंदाज करें या काट दें। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी वो किसी बात कर रहे हो किसी से, या किसी भी बात पर चर्चा कर रहे हो आपसे या बच्चों से, तो बात को बीच में काटे नहीं, खुद भी समझे और बच्चों को भी ये बात समझाएं। अफसोस की बात है ना कि हम अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों बुजुर्गों के आपसी तालमेल को अनदेखा कर रहे हैं। जब भी घर के बड़े बुजुर्ग बात करें ना, तो आप नहीं काटेंगे तो बच्चे आपसे ही संस्कार लेंगे। जो बच्चा था काले चोले गए, नानी तेरी मौनी को मौनी कहे, बाकी जो बच्चा था काले चोले गए। खाक
जानी तेरी मोनी को मोनी कही, अकी जो बच्चा था कल चोले गए। खूब मचाया जंगल की सरकार ने, नानी तेरी मोनी को मोनी कही, बाकी जो बचा था कल चोले गए। बच्चों को बुजुर्गों का आदर सम्मान करना सिखाएं, रोज सुबह उठकर बच्चों को माता पिता और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना उनको प्रणाम करना सिखाएं, इसके बाद ही बच्चों से अन्य काम करवाएं। जब भी बच्चा परीक्षा या किसी इंटरव्यू के लिए जाए तो उनसे कहें कि बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर जाएं, उनसे आशीर्वाद लेकर जाएं। बच्चों को सिखाएं कि वो रोजाना माता पिता और घर के बड़ों के पास कुछ समय बैठकर उनके सुख दुख की बातें करें और उनसे उनका हाल चाल पूछें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन, कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई से बेटा। मामा मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कल एग्जाम है, पता नहीं कैसे होगा। ओफो, एग्जाम ही तो है पूरी लाइफ थोड़े, और जरूरी तो नहीं है कि हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए। डर मत, अच्छे से एग्जाम दे, और तू स्पोर्ट्स में इतना अच्छा तो है, यू आर अ ब्राइट चाइल्ड, ये सोच तुझमें कितना हुनर है, तू कर लेगा, डोंट वरी। थैंक यू मम्मी। एग्जाम जैसे समय में जहां बच्चे से लेकर सब स्ट्रेस में होते हैं, ऐसे में धैर्य का इस्तेमाल करें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उन पे प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि परेशान रहना, चिंता करना, बेचैन होना, अच्छे से खाना ना खाना आपको अधिक स्ट्रेस व दिमाग पर प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगे तो वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, उनसे जानें। अधिक सहायता के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और अनुभवी डॉक्टर्स की मदद लें। स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test on 6th and 7th April. Think IIT, Think Vidya Mandir. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100.1 MHz पर। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय सिविल सेवा के अनेक पदों पर जिन्होंने काम किया है, वे हैं डॉक्टर उदय शंकर पंत। हम आपको बता दें कि उदय पंत जी बहुत ही एक बहुमुखी और बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। इतने बड़े पद पर काम करने के अलावा वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन विकास के जानकार हैं, एक अच्छे लेखक हैं, ब्लॉगर हैं, कवि हैं, चिंतक हैं और अभी स्वतंत्र सलाहकार के रूप में भी कई जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर उदय पंत का गोल्ड के स्टूडियो में। नमस्कार, प्रणाम, सुभाषी सभी श्रोताओं को। जी, और हम जो शुरुआत करते हैं वो यही करते हैं कि सर, अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतनी सारे मैं देख पा रही हूँ कि इतनी सारी किताबें मेरे सामने मौजूद हैं जो आपने लिखी है और एक सर्विस अब नौकरी की है, लेकिन फिलहाल अब आप क्या कर रहे हैं? अब रिटायर्ड होने के बाद मैंने कुछ समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रीजनल एडवाइजर साउथ एशिया पे काम किया। अब मैं फ्रीलांस कंसल्टिंग करता हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, भारत सरकार के लिए, और हमारा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, और इसके अलावा कभी कभार फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री। अभी हाल में एक फीचर फिल्म भी हमने बनाई है जो कि अब पोस्ट प्रोडक्शन पे चल रही है, और इसके अलावा बेबी सिटिंग करते हैं, हमारा एक पोते हैं, अब 4 साल के होने वाले हैं। जैसे ही आपने फिल्म का नाम लिया ना, मैं तो बस खुश हो गई, क्योंकि देखिए हम तो जब गोल्ड की बातें करते हैं ना तो उसमें फिल्म संगीत भी रहता है, तो मैं सबसे पहले शुरुआत फिल्मों से ही करती हूँ कि आपने जो ये फिल्म बनाई है इसके बारे में कुछ बताएं, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि जो आप, क्योंकि उत्तराखंड से आते हैं, उसके बारे में बातचीत, पहले तो फिल्म के बारे में बताइए। फिल्में तो हमने शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री कई बनाई हैं। ये वाली फिल्म जो अभी हमने बनाई है, इसकी कहानी भी उत्तराखंड बेस्ड है, तो इसमें हमने सोचा कि कोई हमारा जैसा आदमी अगर फिल्म बना रहा है तो ऑब्वियसली सोशली रेलिवेंट फिल्म होनी चाहिए, तो इसमें हमने सोशल इश्यूज उठाए हैं, महिलाओं के, एल्कोहलिज्म के, इसके अलावा एजुकेशन है, अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नेंस के इश्यू हमने फिल्म के माध्यम से उठाए हैं, और स्टोरी में ये सब चीजें अपने धारा प्रवाह में चलती हैं, तो हमने सोचा कि फिल्म बनाएं तो ऐसी बनाएं, सार्थक फिल्म बनाएं। लोग कहते हैं कि साहित्य और सिनेमा समाज के दर्पण होते हैं, तो हमारा ये मानना है कि वो समाज के चेतना जगाने वाले भी होने चाहिए, उनसे कुछ रिटर्न व्यूअर को या श्रोताओं को ऐसा मिले तो अच्छा है, इसलिए हमने ये फिल्म बनाई। इसमें हमने कोशिश ये की थी कि ज़्यादातर क्योंकि उत्तराखंड बेस्ड फिल्म थी तो इसको हमने शूट किया था, अल्मोड़ा का एक गाँव है पाटिया, इसके अलावा वहीं का एक स्कूल था डीना पानी स्कूल इंटर कॉलेज, फिर हम रुद्रपुर में हमने शूट किया, हॉस्पिटल में किया, कोलंबस स्कूल में किया, और हमारे मित्र भूपाल मेहरा जी के फार्म हाउस में किया, रोडवेज में किया, तो ये हमने करते करते खुद भी सीखा, अनुभव भी लिया, और स्टोरी बनते बनते हमारे हिसाब से तो बढ़िया बनी है, अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो हमारी फिल्म में 2 गाने जो मैंने गाए हुए उनका एक स्टेंजा मैं आपको सुना देता हूँ। जी, स्वागत है। आज दिन ढल गया तो क्या, कल फिर सुबह का उजाला होगा, रात काली है तो क्या, कल फिर नया दिन निकलेगा, आज दिन ढल गया तो क्या, कल फिर नया दिन निकलेगा। मुझे लगता है कि अगर फिल्म की एक कहानी अच्छी है और बड़ा सार्थक संदेश है, और मुझे लगता है जो आपने लोकेशन जो बताई है उत्तराखंड की, जो कुछ लोकेशंस बताई हैं आपने, वो भी मुझे लग रहा है बहुत ही खूबसूरत रहेंगी, तो मुझे लग रहा है बहुत उम्मीद सी जग रही है इस फिल्म के, मैं उत्सुक हूँ, लालयित हूँ देखने के लिए कि कब मुझे देखने को मिलेगी। फिलहाल हम लेकर चलते हैं आपको आपके बचपन की ओर, कैसा था बचपन
और फिर कैसे सोचा कि मैं आगे क्या बनूंगा, वो समय याद कीजिए, उसके बारे में अपनी खट्टी मीठी यादें हमारे श्रोताओं से बांटिए। रश्मि जी, मेरा बचपन की अगर मैं बात कहूँ तो मैं भवाली में पैदा हुआ। मेरे पिताजी क्षेत्र विकास अधिकारी थे, जिसे BDO कहते हैं, उस वक्त तो वहाँ तैनात थे, और उसके बाद जहाँ उनकी ट्रांसफर हो जाती थी हम वहीं चले जाते थे। भवाली की तो जो आबो हवा के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, और जो जानकारी है, बड़ी सुंदर और खूबसूरत जगह है और बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं हैं वहाँ के। हम कहते हैं ना कि जो साफ शुद्ध जो वायु है ना, हमेशा देखते हैं कि भाई इस समय क्या चल रहा है, स्तर क्या है। तो मुझे लगता है इतनी सुंदर जगह पे तो पहले ही तो आप प्रिविलेज्ड हो गए, वहाँ पे आपका जन्म हुआ। जी, मुझे भी ऐसा लगता है। भवाली, कई सारे उत्तराखंड के बड़े अच्छे अच्छे हमने और भी लोकेशंस में हम रहे, वो भी बड़ी अच्छी अच्छी थी। इसके अलावा आपको एक बड़ी मनोरंजक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं पैदा होने वाला था तो उस वक्त, उन दिनों आप जानते हैं, सरल सादगी वाला जीवन था, ना होटल थे, ना रिजॉर्ट थे, ना किसी के ज्यादा अपेक्षाएं थी, एक्सपेक्टेशंस थी। तो एक फिल्म बनी 55 में, मधुमति, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, उसका कोऑर्डिनेशन वो भवाली के आसपास ज्यादा शूटिंग हुई थी, मेरे पिताजी ने किया, बीइंग ए BDO देयर। कभी कभी मुझे कोई पूछता है कि ये फिल्म बनाने की कहां से आ गई आपको ललक या जिज्ञासा, तो मुझे लगता है कि अभिमन्यु की तरह मेरे तरह कुछ वाइब्स आ गई होंगी उस वक्त। हाँ, कहीं ना कहीं वो जिसे कहते हैं ना, तार जुड़े गए वहां से। क्योंकि मधुमति का जो संगीत है, सलिल दा का म्यूजिक है, तो वो तो संगीत ही अद्भुत संगीत है। तो मैं चाहूंगी अगर आप आज्ञा दे तो हमारे श्रोताओं को वो एक गीत सुना दे मधुमति का। हाँ बिल्कुल, सुना दीजिए। सफल और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफल और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बहार बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बहार बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुन गुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, ये जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, ये जैसे अल्हड़ चले पीछे मिलकर। प्यार प्यार ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद ही। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न
जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीं। वाह, बड़ा मीठा सा ये गीत था मधुमति का। आगे बढ़ते हैं तो फिल्म का कनेक्शन तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना जन्म से ही जुड़ गया। फिर उसके बाद क्या युवावस्था, पढ़ाई, नौकरी, उसके बारे में वापस जाइए अपने यादों के गलियारे में, वहां की कुछ खास बातें हमें बताएं। मैंने बहुत जगहों पे में रहा, उखलकांडा रहा भवाली के बाद, अल्मोड़ा में रहा, फिर हम गढ़वाल की तरफ चले गए जी। तो हम वहां गढ़वाल में थतीउड़ में रहे, थराली में रहे, और गैरसैंण जो आजकल ऑल्टरनेटिव ग्रीष्मकालीन राजधानी है वहां रहे। उन दिनों वहां एक ब्लॉक था, कुछ ब्लॉक के क्वार्टर थे, दो चार दुकानें थी, एक प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल हुआ करते थे, और बड़ी शांति थी। तो वहां मैंने पांचवी तक प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहीं कंप्लीट हुई। उसके बाद हम मुंशियारी चले गए, दूसरे एंड में, पिथौरागढ़ के एंड में, काफी रिमोट जगह है और टूरिज्म के हिसाब से बड़ी मशहूर है आजकल जी। तो वहाँ अपनी सिक्स सेवन्थ और आधा एट्थ हमने पढ़ा। फिर हमारे पिताजी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और सर्वोदय का काम करने लगे। वो गांव में आके प्रिंसिपल्ड आदमी थे, पहले फ्रीडम फाइटर थे बड़े लेवल के, और उसूलों वाले थे। तो उन्होंने कहा गांव में बसेंगे, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। आपके पिताजी का नाम हम अगर जान पाए? मेरे पिताजी का नाम हरिदत्त पंत, शास्त्री पास थे, उनको लोग शास्त्री जी भी कहते हैं। उनके नाम पे हमारे थल में जहाँ हम रहते हैं कस्बे में, इंटर कॉलेज भी उनके नाम पर है आजकल। पहले मेरे समय में जब हम लौट के आए तो वहाँ हाई स्कूल नहीं था, तो उन्होंने एक लोगों ने मिलके एक जनता हाई स्कूल बनाया विद साइंस, तो उसमें हमने पढ़ा, हम उसके पहले बैच के थे। उसके बाद हम फिर इंटरमीडिएट के लिए बाहर चले गए, पास में एक नारायण नगर एक जगह है, नारायण स्वामी ने उसको वहाँ स्कूल बनाया था, इंटर कॉलेज, बापू महाविद्यालय कहते थे उसको, हाथातु इंटर कॉलेज। फिर हमने पिथौरागढ़ में बीएससी किया, फिर सोचा जब स्विच कर लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। तो 20 साल पूरे नहीं हुए थे तो हमने सोचा कि अब क्या करें, तो पिताजी ने कहा एक बारी और कर लो एमए। फिर हमने हिस्ट्री से एमए किया नैनीताल से। अब क्या करें, तो फिर भाई लोग हमारे यहाँ रहते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा कि आ जा तो जेएनयू में एडमिशन ले ले। फिर हमने जेएनयू में एडमिशन ले लिया, एमफिल पीएचडी करने लगे हिस्ट्री में। डॉक्टर राधाकृष्णन के सुपुत्र गोपाल, सर्वपल्ली गोपाल मेरे गाइड थे, बाद में पीएचडी के लिए विपिन चंद्रा जी मेरे गाइड थे। ये तो बहुत ही नामी गिरामी लोग हैं जिनकी किताबें, इतिहास की किताबें जो है हम लोग पढ़ते रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनके काबिल शिष्य आप निकले बहुत। फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि अब धीरे धीरे लगने लगा कि नौकरी तो करनी पड़ेगी, पहाड़ से हैं, कब तक किसी और के पैसे से शिक्षा लेते रहेंगे। तो फिर मैंने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ज्वाइन कर लिया एज सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो उस जमाने में 700 रुपए मिलते थे, वो काफी बड़े माने जाते थे उस जमाने में। आईएएस ऑफिसर्स की तनख्वाह भी 700 से ही शुरू होती थी। अच्छा, मुद्दा ये था कि यूनिवर्सिटी के वातावरण में लोग सोचते थे कि ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाना है, ये बड़े नेगेटिव होते हैं। तो आईसीएसएसआर इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च हमने सोचा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, फिर वहां जाके देखा कि यहाँ भी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, तो चलो ब्यूरोक्रेसी में ही हाथ आजमाएं। तो सिविल सर्विस एग्जाम लिखा तो उसमें हो गया। आना आपको वहीं था ब्यूरोक्रेसी में? हाँ, वो तो जहां किस्मत ले जाए वहां आदमी जाएगा ही जाएगा, यद भाव्यम तद भविष्यति। तो फिर उसके बाद इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस में टोटली न्यू सब्जेक्ट कि भाई लेखा, कहाँ इतिहास राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी और कहाँ हम कहे वाणिज्य शास्त्र के विशेषज्ञ। बिल्कुल आपने कहते हैं ना कि बिल्कुल धारा ही विपरीत धारा, या हम कहें धारा प्रवाह अलग ही हो गया। ये हमारे लॉर्ड मैकॉले की फिलोसफी पे डिपेंडेंट है हमारी इंडियन सिविल सर्विस, जो कहते थे कि इंटेलिजेंस इज ट्रांसफरेबल। अगर आप संस्कृत में अच्छा नंबर ला सकते हैं, उसमें उत्तम बन सकते हैं, तो बाकी जगह भी ओरिएंटेशन के बाद बन सकते हैं। इसी फिलोसफी में हमारी सिविल सर्विस अंग्रेजों ने बनाई थी और आज भी इसी पर हम कायम हैं। तो एक्सपर्टीज के हिसाब से नहीं, हमारा इस हिसाब से कि एजुकेशन में कुछ भी हो यू कैन ज्वाइन एनी अदर स्ट्रीम। तो उस हिसाब से हम लेखा में पहुंच गए। आने के बाद लगा कि मोर और लेस एक दो लेवल के बाद फिर वो एक ही हो जाता है, ज्यादातर व्यवस्थापन पॉलिसी चेंजेस वगैरह, पॉलिसी फॉर्मेशन रिफॉर्म्स वगैरह से होता है, प्रशासन का काम हो जाता है फिर। तो प्रशासन और आप कोई करना चाहे तो रिफॉर्म्स का बड़ा स्कोप है, पहले भी था, अब भी है, हमेशा रहेगा।
तो जब उत्तराखंड का एक लड़का प्रशासनिक सेवा में निकला तो बहुत लोगों का सपना रहता है इस स्तर पर पहुंचने का। उस समय क्या प्रतिक्रिया थी वहां पर, घर पर क्या प्रतिक्रिया थी, आसपास कैसा लगा? अच्छा लगा, जाहिर सी बात है, पिताजी और माताजी तो हमारे यही कहते थे, हमें तो पहले ही पता था ये कुछ बनेंगे, इनके चार ग्रह उच्च के हैं, वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखते थे, कहते थे कि मैं ना कहता था कि ये पृथ्वीनाथ हैं जी, ये लोग एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड प्रोपोर्शन होने लगती हैं, तो फिर उसको थोड़ा लोगों के दिमाग में यही रहता है कि सिविल सर्विस में आ गए तो अब इनके आगे पीछे गाड़ियां होंगी, दरबान होंगे, दरवाजा खोलने वाले अलग होंगे, लेकिन ये सब फील्ड के पर्क्स हैं, तो सरकार में, दिल्ली में जैसी जगह पे अगर आप हैं तो एवरीबॉडी इज जस्ट लाइक एनीबॉडी एल्स, कि आप अपनी गाड़ी नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, सरकारी घर में रह रहे हैं, और ऐसी कोई विशेष वो नहीं है, तो थोड़ा समय लगता है टू कम अप, कंटेंटमेंट है, अगर वो भी अच्छा है, जो है वही नसीब में वो मिलेगा, और मिल गया। ये तो आपकी सरलता है, मैं ये कहूंगी कि जो व्यक्ति एक कर्मयोगी होता है उसका जो पूरा ध्यान होता है अपने कर्म की ओर होता है, तो ऐसा कर्मयोगी सुपुत्र भी हम कहेंगे बड़े भाग्य से मिलता है। उसके बाद जब मैं देख रही हूँ डॉक्टर साहब आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, तो इन किताबों में मुझे लग रहा है ज्यादातर कविताएं हैं, आपके मन के भाव मैं देख रही हूँ, उड़ता मन है, फिर एक बार, और ये है मेरे पास टुकड़ों में जिंदगी, और एक और किताब मेरे हाथ में है जीस्त की महफिल। तो ये जो अनुभव है, क्या ये प्रशासनिक सेवाओं के अनुभव हैं या उस समय उठी हुई मन के तरह तरह के विचार हैं जो आपने कहीं ना कहीं कागज पर उतार दिए? ये इसमें मिले जुला होगा, कई चीजें हम जो लिखते हैं तो वो लोगों के विषय में भी लिख सकते हैं, तो राइटर जब लिखता है तो ये पता नहीं चलता कि वो अपने लिए लिख रहा है, अपने अनुभव लिख रहा है, या किसी और के लिख रहा है। आपके माध्यम से मेरी सोच हो सकती है या मेरे माध्यम से आपकी सोच हो सकती है। ये कविताओं के अलावा मैंने कुछ और चीजें भी लिखी हैं, जैसे ओपन सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस मेरी एक किताब है जो कि लोगों को हैप्पीनेस के बारे में बताती है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे मेरी दो किताबें हैं जी। उसके अलावा एक मेरी बहुत लंबी वर्स है, इसको आप फिलोसफी कह सकते हैं, उसका नाम है मैं क्या चाहता हूँ। अच्छा। मतलब वो मेरे ही भाव नहीं है, मेरे माध्यम से वो किसी और की भी सोच हो सकती है कि आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स What do they really want? और क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में द्वंद चलते रहते हैं, वो रैंडम बेसिस पे जैसे भाव आए ऐसे लिखी हुई है, तो भटकते हुए मन की कहानियां उसमें हैं जो कि आपको हर तरफ ले जाती हैं। डॉक्टर उदय पंत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन में तो भाव बहुत सारे आते हैं पर कागज पर उतारना उनको बड़ा मुश्किल सा लगता है। ऐसा भी होता है कि जो लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, खासकर हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, मन में बहुत सारे भाव होते हैं लेकिन घर के लोगों के पास समय नहीं होता कि वो भावों को सुन पाए, और हमेशा तो नहीं होता, कभी सो भी जाता है। उनके लिए क्या कहेंगे कि किस प्रकार से वो, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपने तो आपकी किताबों से ये मेरा जो टेबल है ये भर गया, इतनी सारी किताबें हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है लिखना एक कहीं ना कहीं आपको एक स्वतंत्रता देता है, आपके भावों को भी फैलने का आकाश देता है। उनके लिए क्या कहेंगे जो कई सारे भाव मन में समेटे बैठे हैं? देखिए, इसमें दो चार चीजें जानने वाली ये भी हैं कि जैसे आपके मन में एक भाव तो बहुत तरह के आते हैं, हर चीज आप अगर कलमबद्ध कर देंगे तो कई दफा उसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं, कोई आदमी आपसे नाराज भी हो सकता है। जैसे पुराने जमाने में लोग लिखते थे या लिख गए कि एवरीथिंग, जैसे गांधी जी ने माय एक्सपेरिमेंट इन ट्रुथ में सब कुछ लिख दिया, लोग बाद में तरह तरह की चर्चाएं करने लगे, ऐसे लोग बायोग्राफीज लिखते हैं, तो हम अगर ऐसी बायोग्राफी लिख देंगे तो आधे लोग तो हमसे नाराज हो जाएंगे, चाहे वो घर वाले हों या सर्विस वाले हों या मित्र हों। तो इसलिए वो पुरानी हमारी विजडम कहती थी कि कुछ चीजें किसी से छुपाने की होती है, कि हर चीज नहीं की जाती, और कुछ बताने की होती है, जो बताने की होती है उसमें भी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलिए प्रिय बोलिए लेकिन कटु सत्य मत बोलिए जी। तो ये सब के होते हुए भी सारे भाव तो नहीं आ सकते, लेकिन ज्यादातर जो न्यूट्रल भाव हैं या जो कि औरों को इंटरेस्ट कर सकता है ऐसे भाव हों, या विचारों का कोई मंथन अगर कुछ निकल कर आए अमृत स्वरूप, तो बिल्कुल अमृत या विष, ये तो लेने वाले पे पीने वाले पे अगर लगता है, ये लेखक का काम है लिख दे उसको, और श्रोता का काम है, पाठक का काम है कि उसको मॉडर्न आर्ट की तरह
अपने हिसाब से परिभाषित कर ले, और आप कविता में ऐसी ऐसी चीज भी लिख सकते हैं कि जिसके कि दो द्व्यर्थक या बहुवर्थक हो सकती हैं। हाँ, तो वो पर आपका पाठक तो मजा तो उसी में है कि आपका पाठक आपके विचार को परिभाषित करे कि लेखक के मन में ये चल रहा है, जो कवि के मन में शायद ऐसा कुछ चल रहा है, तो ये तो मैं कहूंगी कवि की सफलता होगी। हाँ जी, ये भी होता है, लेकिन कई दफा कुछ चीजें आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं, किसी और के अनुभव से, तो लोग सोचते हैं कि इन्हीं का अरे क्या हो गया, क्या परेशानी हो गई, ऐसे पूछने लगते हैं जैसे कि वो कोई अपनी सत्य कथा लिख रहा हो, तो वो भी एक इसका आयाम है। हाँ, लेकिन अनुभवी पाठक ये जानते हैं कि जो लेखक है वो भी अपने अनुभव दर्ज कर रहा होता है, और दूसरों के अनुभव को भी वो, उसका जो है दर्शक होता है उसको भी वो पिरो रहा होता है कागज पर। तो अच्छे से किताबें पढ़ते रहे हैं, वो जानता है कि हर अनुभव लेखक का खुद पर भुगता हुआ सत्य नहीं होता, देखा हुआ सत्य भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। लेखक क्या है बेसिकली, लेखक को अपने हिसाब से तो जो वो अनुभव करेगा, अनुभव जन्य जगत होगा, तो वो अपने अनुभव भी हो सकते हैं, दूसरे के भी हो सकते हैं, तीसरे के भी हो सकते हैं, और कुछ काल्पनिक भी हो सकते हैं, जो कि अनुभव ना हो, कुछ उसमें बीच में काल्पनिक बातें भी जोड़ी जा सकती हैं, तभी साहित्य में थोड़ा कलेवर आता है कि लोग उसको पढ़ना पसंद करते हैं। कई दफा अतिशयोक्ति भी होती है, कई दफा बात को हल्का करके भी कहा जाता है। बहुत सी संजीदा बातें जो हैं वो व्यंग्य में कह दीजिए तो लोग बुरा नहीं मानते, और सबसे ज्यादा संजीदा बातें हास्य में ही कही जाती हैं, मेरा तो ये मानना है। और देखिए, हमारे जो श्रोता हैं वो तो बहुत, जो जब गोल्ड सुनते हैं तो वैसे ही हंसते हंसाने का आनंद मिलता है, संगीत का आनंद उनको मिलता है, बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, और ये जो कार्यक्रम है इसमें तो वो पसंदीदा कार्यक्रम है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे सुनने वालों? आपके सुनने वालों को भी यही कहना चाहूंगा कि नैतिक रहिए, खुश रहिए, और औरों को भी खुश रखिए, छोटी छोटी बातों से विचलित ना हो, छोटी छोटी बातों से खुशियां आ जाती हैं, छोटी छोटी बातों से खुशियां चली भी जाती हैं, और बाकी जिंदगी में संतोष रखिए और समभाव में रहिए, ना जीत में बहुत खुशी ना हार में कोई गम, हार भी सिखा जाती है, जीत भी नुकसान कर सकती है, तो कृष्ण ने गीता में भी कहा है सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय, तो कहते हैं हे पार्थ इसलिए तुम युद्ध लड़ो, तुम्हारा काम युद्ध लड़ना है, सोचना नहीं है कि उसका परिणाम क्या है, वो मैं तय करूंगा, मैं भी क्या तुम्हारा कर्म तय करेगा, यही मर्म है, यही कर्म है। और हमारे सामने एक कर्मयोगी बैठे हुए हैं बिल्कुल, जिसे जो अब मुझे समझ में आ रहा है कि हैप्पीनेस गुरु आप क्यों हैं, क्योंकि जो गीता का ज्ञान आपने दिया है ना कि ज्यादा परेशान भी ना हो, ज्यादा अपने आप को समभाव में रखें और खुश रहने की कोशिश करें, और तो जिंदगी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। जिंदगी तो है ही, निकल ही जाएगी, जिंदगी तो निकलती है, तो अगर आप हंसते हंसते खुशी खुशी निकाल दें तो अच्छी बात है। हर चीज के लिए आपको खुश होना जरूरी नहीं है, कई तरह के, हमारे पिताजी कहते थे कि किसी की बात पसंद नहीं आ रही हो तो समझ लो कि ये उसका विचार है, वो भी, उसको भी सोचने का जीने का हक है, और बिल्कुल ही बुरी लग रही है तो सोच लो कि ये दया का पात्र है, और भी बुरी लग रही है सोच लो कि ये पागल है, पागल की बात का क्या बुरा मानना। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि असहमति के लिए हमेशा जगह रखनी चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो असहमत होंगे, उनका भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं कुछ और अच्छा निकल कर आता है, दो व्यक्ति अगर असहमत हो तो भी, और सहमत हो तो फिर तो बात ही क्या। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चर्चा है ये बहुत जारी रख सकते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ घड़ी हमें कह रही है कि वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का, तो आज की जो ये मुलाकात है हम यहीं समेटते हैं। डॉक्टर उदय पंत, आप गोल्ड के स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत आपसे हमने की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मैं मनोज प्रभाकर रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी कौम से कि आने वाले इलेक्शन में वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। हर वोट जरूरी, सबको ये समझाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है, सरकार हमारी अपना ये अधिकार हमारा।
IIT Think Vidya Mandir. Think IIT Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test on 6th and 7th April. Think IIT Think Vidya Mandir. Check. जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के? एक महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है? अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएम पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर शो एक कदम बुजुर्गों की ओर, साथ हूं मैं आपके अर्पना। बात हम कर रहे हैं बच्चों की और बुजुर्गों के आपसी तालमेल की। घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो उन्हें ये कहें या आप बेखुद ये कोशिश कर सकते हैं कि दिन का एक मील यानी कि नाश्ता, लंच या रात का खाना कोई भी बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ कर ले सकते हैं। जितना हो सके बच्चों को अपने दादा दादी नाना नानी बुजुर्गों के साथ संपर्क में रहने का कहें, इससे बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा। और घर के जो बुजुर्ग हैं ना, उन्हें पीस बनाकर घर में ना रखे, घर के पास पार्क है तो वहां भेजे, आपके साथ बच्चे जाएं या आप खुद जाएं छुट्टी वाले दिन, और उनकी उम्र के जो लोग हैं उनसे उन्हें मिलने दे, पुरानी यादें ताजा करने दे। और वैसे आजकल के बुजुर्गों के लिए बहुत सारे क्लब्स खुल गए हैं, तो वो ज्वाइन करवाए ना उन्हें। वहां फिजिकल एक्टिविटीज होती है, उनकी सेहत और उम्र के हिसाब से मेडिकल जानकारी और फ्री चेकअप्स होते हैं। बुजुर्गों को भी समझाएं इन बातों को, उन्हें समझना चाहिए। तकलीफ का हल तभी निकलता है जब हम आपसी बातचीत करते हैं। तो अपने साथ अगर वो पार्क में कुछ अपने ही हम उम्र के लोगों को देखे तो उनके साथ बातचीत करें, छोटे बच्चों के साथ बातचीत करें और जो मुश्किलें हैं उनका हल निकालें। फिलहाल एक गीत आप सभी के लिए आकाशवाणी का गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस गीत के बाद आप सुनेंगे गोल्ड पर समाचार। अर्पना को दे इजाजत, नमस्कार। सही हम भी बड़े दिल वाले, ला 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 ला। Hey.